आज का ये टॉपिक मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, उन्होंने दिया है मुझे, और इसके रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने ये दलितों के ऊपर, उनकी लाचारी के ऊपर लिखा। अपनी वाइफ से मैंने इसे डिस्कस किया तो उन्होंने इस पूरी कविता का अर्थ ही बदल दिया, और अगर आप तक ये बात पहुँचे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गले मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर या फिर कुछ और। और जब मैंने अपनी धर्मपत्नी से इस बारे में बात किया तो उन्होंने ठाकुर का मतलब यहाँ पर उन ठाकुर से जोड़ दिया जिनकी हम आप दिन रात आराधना करते हैं, कि अगर सब कुछ ठाकुर का, सब कुछ भगवान जी का दिया हुआ है तो फिर अपना क्या है, जो कि सब कुछ क्षण भंगुर है और फिर भी हम उस पर इतना नाच करते हैं, इतना गर्व करते हैं, इतना घमंड करते हैं, जो कि भगवान का आहार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।